जिले के टांडा बरूड के नजदीक बसे देउली कोठा ग्राम में महंगाई की मार से ग्रामीणों का जीवन दुभर हो चला है। जहां खाद्य सामग्री के भाव बढ़ने से ग्रामीणों को रोजमर्रा के जीवन में मजदूरी के पैसे भी नहीं जुटा पा रहे हैं, वहीं गैस की बढ़ी हुई महंगी दरों से ग्रामीण अंचल के बासिंदे चूल्हे पर भोजन सामग्री बनाने को मजबूर हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनता को लॉलीपॉप देकर उज्ज्वला योजना के नाम से गैस चूल्हा और टंकी तो दे दी गई, परंतु महज 150 रुपये की मजदूरी करने वाला इतनी महंगी 1200 रुपये की टंकी कहां से लाएगा। कई ग्रामीण तो मजदूरी करने के बाद लकड़ी बीनकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। अब देखना यह है कि बद से बदतर जीवन जी रहा ग्रामीण क्षेत्र का आम आदमी क्या इस महंगाई की मार से निजात पाएगा, या यूं ही शासन प्रशासन के कोप का भाजन होता रहेगा। खरगोन से जयंत गुप्ता के साथ रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। काका, ये लोग बोल रहे हैं कि महंगाई हो गई है ना, तो इससे क्या फर्क पड़ा? खूब फर्क पड़ा यार, हमरो मुंडो दाब दे और काई जे नहीं उससे मतलब से खाने पीने में जैसे भजिए वगैरह जैसे तली हुई चीजें खाते हैं क्या आप? हां, आने में लोग भजा खाता थे, अब 4000 महीना बने इतना फर्क पड़ा है। हां वो क्या नाम आपका? मेरा नाम गोर्धन सिंह गहलोत। तो आपको भी लगता है कि तेल वगैरह महंगा हो गया है? हाँ हो गया ना, तो उससे क्या फर्क पड़ा? 2-3 महीने के भजे नहीं खाए। भजे नहीं खाए और क्या? तो फिर ऐसे ही खाना, सादा खाना खा रहे हो तो क्या करो, सिंपल खा रहे। मतलब जैसे तेल महंगा हो गया ऐसा लोग कहते हैं, तो आपको भी लगता है कि महंगा हुआ है? हाँ होगा ना महंगा, ऐसा लगता है। तो जैसे अभी खाने में क्या परिवर्तन आया? खाने में क्या, तलना 2-3 महीने तक खाना मिल जाता है। तलना मतलब? मतलब तेल की चीज तली हुई। हाँ मतलब भजी वगैरह। भजे कब खाए थे पिछली बार भजी? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।